बाटवाड़ा थाना अंतर्गत एक किशोरी की जहर पीने से मौत हो गई। वही हिंगना में ऑटो चालक ने फांसी लगा ली। राशन अनाज की कालाबाजारी का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। बारडी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दांतों की सुरक्षा के लिए फ्लोराइड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट की जल्द शुरुआत करने का आश्वासन जिला परिषद के CEO योगेश कुंभेजकर ने दिया। मोटरसाइकिल चलाने की बात को लेकर दो भाइयों में विवाद हो जाने पर एक भाई ने उस मोटरसाइकिल को आग लगा दी। कोरोना महामारी से बचने के लिए चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रम में नागपुर शहर के 100% लोगों ने पहला डोज लिया है। विधान परिषद के नागपुर स्थानीय निकाय संस्था सीट के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले ने बाजी मारी है। धान उत्पादकों की धान की फसल अब खेतों से निकलना शुरू हो गई, लेकिन राज्य शासन द्वारा अभी तक बोनस की राशि मंजूर नहीं करने से किसानों को चिंता सताने लगी। तहसील पुलिस ने नागपुर भोपाल ट्रक ट्रांसपोर्ट में आए एक ट्रक पर छापा मारकर 2,35,200 रुपए का मानजात जब्त किया। विकास के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है।